फ्रेंड्स, आज मैं आप बच्चों के लिए एक जो हमारा एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो AKTU बेस्ड है उसके ऊपर जो आपके पास बाय बाय जो है क्वेश्चंस के बारे में वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँ कि क्या क्या बाय बाय क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं बच्चों। और मेरे ऑलरेडी मैंने सारे के सारे जो मीन्स एक्सपेरिमेंट है उनका वीडियोज़ प्ले लिस्ट में बना रखा, आप प्ले लिस्ट में जाके वीडियोज़ को देख सकते हैं। मैं आपको बस आज के वीडियो का एम ये है कि आपको ये बताना है कि क्या क्या क्वेश्चन बायवा में पूछ सकते हैं, और आपको इंडिविजुअली ये अलॉट होगा, और उसके बाद आपको इंडिविजुअली परफॉर्म भी करना होगा और रीडिंग भी आप बच्चों को बतानी होगी। तो फाइन, तो हम पहले बात करते हैं कैरी फोस्टर ब्रिज की। तो पहले हम बताएं कि हमें इस अननोन वायर की रेजिस्टिविटी हमें कैलकुलेट करनी है। फाइन, तो अननोन वायर की रेजिस्टिविटी हम कैरी फोस्टर ब्रिज की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो बेसिक जब आपको ये एक्सपेरिमेंट अलॉट होगा तो आपको क्या करना है बच्चे, तो इसमें अलॉटमेंट में आपको ये वायर है और ये कॉपर स्ट्रिप है और ये एक्सटेंडेड बीट स्टोन ब्रिज है। तो बीट स्टोन ब्रिज जो प्रिंसिपल है वो आपको पता है। फाइन, उसमें क्या है, 4 रेजिस्टेंस PQRS हैं और ये चारों बैलेंस होंगे तो आपका गैल्वेनोमीटर में जो है रीडिंग क्या होगी, 0 होगी। तो फाइन, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड यहां पे ये पी है, ये आपके पास कॉपर स्ट्रिप है और ये पोटेंशियोमीटर है। ये क्या है, पोटेंशियोमीटर है। फाइन, तो अब हमें क्या करना है कि ये कॉपर स्ट्रिप के रेजिस्टेंस नोन, अब PQRS, तो दैट इज अ पी, ये है रेजिस्टेंस, दिस इज क्यू, दिस इज आर एंड दिस इज एस। फाइन, और ये जो वायर है, पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो वायर है इसकी रेजिस्टिविटी जो है वो आपको कैलकुलेट करनी है। फाइन, जब ये आपको नोन होगा तो आप अननोन वायर इसकी जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं। फाइन, सो अननोन वायर मतलब जिसकी रेजिस्टिविटी हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे पास सोर्स है और ये है गैल्वेनोमीटर है, तो पहले आपको गैल्वेनोमीटर पे नल पॉइंट को सेट करना होगा। फाइन, ये आपका नल पॉइंट जो है वो सेट, तो इस तरह से आप, ये बेसिकली नल पॉइंट मेथड है। और इसका आपको क्या पूछ सकते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों। फाइन, ये पोटेंशियोमीटर क्या होता है, ये आपके बारे में पूछ सकते हैं। ये गैल्वेनोमीटर का क्या काम है, तो जब भी एक्सपेरिमेंट टेबल में आपको एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। हाउ टू कैलकुलेट, तो आपको इसको कैलकुलेट भी करना आना चाहिए। तो हमारा इस कैरी फोस्टर ब्रिज का जो एम है वो है अननोन वायर के जो है वो रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है। रेजिस्टिविटी आपको पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, करंट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब आप बायवा दोगे और इसको परफॉर्म करेंगे। फाइन, इसके बाद एक्सपेरिमेंट है वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमें क्या करना है, ये जो वायर है ये आप ध्यान से देखिए, ये जो आपके पास कॉइल है इसका रेडियस को एस्टिमेट करना है बाय स्टडिंग द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है, सेंसर्स है, और ये जो हमारे पास गिवन है वो क्या है, सोर्स है। यहाँ से हमने करंट अप्लाई किया है 500 मिली एम्पीयर और यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस कॉइल में जनरेट हो रही है। तो कॉइल वन में हमने यहाँ पे करंट को सेट किया है, यदि आप ध्यान से देखिए तो ये कॉइल वन पे है और ये 496 मिली एम्पीयर मीन्स 500 मिली एम्पीयर हमने यहाँ पे करंट अप्लाई किया है। तो इस कॉइल में क्या है बच्चों, इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड सेंस हम यहाँ से करेंगे। तो जैसे जैसे हम एक्सिस के अलोंग ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो नोट करते जानी, पहले ये सेंसर की पोजीशन 0 पे होगी, तो ये सेंसर की पोजीशन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो दिया हम भी देखिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है। तो सेंटर पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी बच्चों, मैक्सिमम होगी। और इसका जो प्रिंसिपल है वो बेसिकली क्या है, बायर्ड-सेवर्ट लॉ। क्या है इसका प्रिंसिपल, बायर्ड-सेवर्ट लॉ। तो बायर्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज बायर्ड-सेवर्ट लॉ। फाइन, उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैसे आप इस कॉइल का रेडियस को एस्टिमेट करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड और एक्सिस के बीच का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो मैक्सिमम होगी, तो ये एक कर्व बनेगा, गॉसियन कर्व बनेगा, उससे आप जो है वो इसकी रेडियस को कैलकुलेट
कर सकते हैं। तो बड़ा इजी है, तो आपको इसका प्रिंसिपल पता होना चाहिए और इसके कैसे आप जो रीडिंग लेते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। फाइन, तो ये हमारे पास करंट सोर्स है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो कॉइल वन, कॉइल टू, सेंसर को मूव करके अलोंग द एक्सिस हम क्या करेंगे, सेंसर की पोजीशन जो है वो मूव करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड करते जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक कॉमन जो आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो परफॉर्म करना है, ऊपर से आपको रीडिंग भी चेक करानी है ताकि आपको एग्जाम अच्छे मार्क्स दे पाए। ये हमारे पास है हॉल इफेक्ट। हॉल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक इफेक्ट दिया, उस इफेक्ट पे बेस्ड ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट है और इसका प्राइमरी एम है हमें क्या कैलकुलेट करना है, सेमीकंडक्टर की बेसिक प्रॉपर्टीज हमें कैलकुलेट करनी है, जैसे मोबिलिटी, रेजिस्टिविटी क्या है बच्चों, हॉल कॉफिशेंट है, पी टाइप है या एन टाइप है। फाइन, ये चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी होंगी। तो इसमें आपको क्या क्या क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ये क्या है, कांस्टेंट करंट सोर्स है, ये हमारे पास डिजिटल गॉज मीटर है, ये मल्टीमीटर है और ये हमारे पास ये मल्टीमीटर है बच्चों। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, जो है सिंपल, आपको ये मैग्नेट है, ये हमारे पास सेमीकंडक्टर की चिप है और ये सेमीकंडक्टर की चिप है बच्चों। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट का सोर्स है, यहाँ से अपने सोर्स को ऑन किया और ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो रही है और यहाँ से बच्चे इस सेमीकंडक्टर में जब हम परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे और करंट आप अप्लाई करेंगे, तो करंट अप्लाई करने पे ध्यान दी, कितना आप करंट अप्लाई करोगे उतने में आपके पास यहाँ से वोल्टेज जनरेट होगी। देखिए एग्जांपल, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की, इस फील्ड में करंट आपने अप्लाई किया इस प्रॉप पे, ये देखिए ये करंट सोर्स के साथ भी है। फाइन, जब आपने मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए ये है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से करंट अप्लाई किया तो ये फोर्स जनरेट होगी किसके ऊपर, जो हमारे पास जो सेमीकंडक्टर है उस पर पॉजिटिव ऊपर की तरफ चले जाएंगे अपर लेयर एंड द नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे बच्चों, इससे हम एक वोल्टेज जनरेट होगी, उससे हम हॉल वोल्टेज बोलेंगे और हॉल वोल्टेज को हम इस मल्टीमीटर से मेजर कर लेंगे। तो आपको इस पूरे एक्सपेरिमेंट में करंट को वेरी करना है और वोल्टेज को नोट करना है और उसका जो स्लोप आएगा वो हम फार्मूला में रेजिस्टिविटी मोबिलिटी का जो फार्मूला है वो बी एच आई का जो स्लोप है उस वैल्यू को पुट करना है और हमारे पास सेमीकंडक्टर की इंटरेस्ट जो बेसिक करैक्टरिस्टिक्स है वो पता चल जाएगी। तो ये बेसिक बहुत अच्छा है। हॉल इफेक्ट आपको पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ दिस, तो आप बता सकते हैं कि ये हॉल इफेक्ट पे है और हॉल इफेक्ट क्या है कि यदि आप किसी सेमीकंडक्टर या कंडक्टर पे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड आप करोगे और उसके परपेंडिकुलर करंट आप अप्लाई करोगे बच्चों, ये करंट है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो वोल्टेज जनरेट होगी, पुश फोर्स लगेगा और उस वजह से जो फोल्ट होगी उससे हम हॉल वोल्टेज, तो हॉल वोल्टेज करंट के साथ वेरी होगी, उसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और फार्मूला में हमें पुट करना है। मैंने ऑलरेडी हॉल इफेक्ट प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, उसका सिस्टम थोड़ा अलग है पर वो सेम। फाइन, तो थोड़ा सा आपको ऑपरेटर अलग हो सकता है पर फाइन उसी तरह से ये काम करेगा। फाइन, अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के। सो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हमारा है टू वेरीफाई द स्टीफंस लॉ बाय इलेक्ट्रिकल मेथड। और स्टीफंस लॉ क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी पर सेकंड पर एरिया पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर ऑफ दिस बॉडी। ये क्या है, स्टीफंस लॉ है, तो मीन्स पावर इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर। तो हमें क्या निकालना है, पावर कैलकुलेट करनी है और टेम्परेचर निकालना है, दोनों का हम लॉग का ग्राफ प्लॉट करेंगे और यदि उसका स्लोप 4 आ गया तो हमारा स्टीफंस लॉ वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास है ये एम्पेयर है और ये है वोल्ट मीटर। फाइन, तो यहाँ से हम सबसे पहले हमारा सेटअप क्या होगा, जस्ट ग्लोब है, तो हमें पावर कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये ऑन है। फाइन, तो पावर कैलकुलेट करने के लिए हमें जस्ट ग्लो पे वोल्टेज और करंट की वैल्यू को नोट करना है, ठीक है, और उसको 3.0
9 से डिवाइड करके रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें कैलकुलेट करना है। फिर हमें जस्ट ग्लो के बाद फुल ग्लो तक आपको अलग अलग वोल्टेज की वैल्यू पे करंट की वैल्यू को नोट करना है, क्योंकि रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर अपॉन रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जो है वो टेम्परेचर के साथ रिलेशन है, जो कि आपको टेबल दिया होगा, तो आपको टेम्परेचर उस टेबल से आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो एक बार आपको टेम्परेचर मिल गया और आपको पावर मिल जाएगी वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करने के बाद, तो इस तरह से हम लॉग पी और लॉग टी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और दोनों का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, और यदि उसका स्लोप 4 होगा तो हमें स्टीफंस लॉ वेरीफाई हो जाएगा। फाइन, तो ये हमारे पास टंगस्टन है बच्चों। तो ये आपसे पूछ सकते हैं हर चीज़ की, व्हाट इज़ वोल्ट मीटर, व्हाट इज़ एम्पेयर, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और आपको एक रीडिंग आपको कैलकुलेट करके जब वो चेक करानी होगी एक्सटर्नल एग्जामिनर से, ठीक है। तो इसी तरह से आप और मेरे पुराने वाले जो वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में जाके, वहाँ आप जाके देख सकते हैं इसका प्रोसीजर। हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, हमें क्या करना है, हमें एनर्जी बैंड गैप कैलकुलेट करना है सेमीकंडक्टर का यूजिंग फोर प्रोब मेथड। तो ये हमारे पास क्या ये ओवन है और इसमें ये थर्मामीटर है बच्चों। तो हम ये हमारे पास ये जो सेमी कंडक्टर है, ये जो आपको ग्रे वाला दिख रहा है ना बच्चों, और ये इसके ऊपर ये फोर प्रोब्स है, ये इस सेमी कंडक्टर का हमें क्या निकालना है, बैंड गैप कैलकुलेट करना है यूजिंग फोर प्रोब्स मेथड। ये प्रोब्स ये है, और इस तरह से हमने इसको ओवन में इसके अंदर हमें इंसर्ट कर दिया। फाइन, तो हम क्या करेंगे, ओवन का काम क्या है, थर्मल एनर्जी जो है वो क्रिएट कर। फाइन, तो अब यहां से देखिए, ये हमारे पास सेटअप है, ये देखिए ये है करंट और ये है वोल्टेज। तो हम पहले क्या करेंगे, जो टू प्रोब है, जो दो प्रोब है उसमें हम करंट अप्लाई कर दिए, डेट इज अ फाइव अप्रॉक्सीमेट 5 मिली एम्पियर। फिर हम क्या करेंगे, इसको यहां पे अभी हमने कांस्टेंट दे दिया, अब हम ये वोल्टेज की तरफ, ये वोल्टेज इज मल्टीप्लाई बाई 10। फाइन, जैसे जैसे अब हमें क्या करना है, जैसे जैसे हमारा यहाँ पे ओवन को हम ऑन करेंगे, टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी बच्चों, चेंज होगी, इंक्रीज होगी। तो डिफरेंट टेम्परेचर की वैल्यू पे हमें वोल्टेज की वैल्यू को नोट करना है, तो करंट और वोल्टेज हमें मिल जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होना, आपको वोल्टेज की वैल्यू को नोट करते जाना, और मल्टीप्लाई बाई 10 है। तो वोल्टेज और करंट से हमें रेजिस्टिविटी मिलेगी और टेम्परेचर यहाँ से मिलेगा। तो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर का एनर्जी बैंड गैप के साथ रिलेशन है, जो ऑलरेडी मैंने वीडियो में डिस्कस कर रखा है। उस रिलेशन को यूज करके हम क्या करना है, रेजिस्टिविटी का लॉग और टेम्परेचर 1000/T, इन दोनों का ग्राफ प्लॉट करना है और कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके आपको एनर्जी बैंड गैप मिल जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, व्हाट इज सेमीकंडक्टर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। उसके बाद ये पूछ सकते हैं कि टेम्परेचर के साथ कंडक्टर की का मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, ये पूछ सकते हैं। और आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द सेमी कंडक्टर आल्सो। तो सेमी कंडक्टर में क्या होगा, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा कंडक्टिविटी विल बी इंक्रीज, मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करेंगे। उसके बाद सेम हम यदि बात करें तो कंडक्टर की बात करें, तो कंडक्टर के केस में हम क्या होगा, कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, थर्मल वाइब्रेशन बढ़ेगी, जिसके वजह से मीन फ्री पाथ कम हो जाएगा और उसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। फाइन, ये देखिए ये टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे ही वोल्टेज की वैल्यू कम होती जाएगी। फाइन, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। तो ये बेसिक हम सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड गैप हम कैलकुलेट करते हैं। और ये भी पूछ सकते हैं कि जर्मेनियम का एनर्जी बैंड गैप कितना होता है और सिलिकॉन का, तो सिलिकॉन का होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम का 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक्सपेरिमेंट है वो है न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट, इसका मैंने एक वीडियो बना रखा है वाइट बोर्ड में, उसके ऊपर मैं आपको बताया। तो ये इसका एक डेमो मैं आपको ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ। तो ये न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट सेटअप है, हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है यूजिंग न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट।
फाइन, तो इसमें क्या है, ये कौन से फिनोमेना पे है, ये है इंटरफेरेंस ऑन द वेज शेप, मतलब नॉन पैरेलल थिन फिल्म पे इंटरफेरेंस के फिनोमेनन से बना हुआ, से हम जो है कैलकुलेट करेंगे फाइन वेवलेंथ। तो ये हमारे पास एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस है ऊपर और नीचे है ग्लास प्लेट, सो दोनों के बीच का एक एयर की थिन फिल्म होगी जिसकी वजह से एक फेस डिफरेंस जनरेट होगा। एक सोर्स से दो सोर्स हम डिविजन बाई एम्पलीट्यूड मैथड से जनरेट करेंगे, दोनों के बीच में फेस डिफरेंस होगा और वो ब्राइट या कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और हमें रिंग्स यहाँ पे इस टेलीस्कोप में आपको रिंग्स जो हैं वो दिखेंगी, और उन रिंग का सिर्फ आपको डायमीटर कैलकुलेट करना है, और डायमीटर और वेवलेंथ का फार्मूला आप बच्चों को आप ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ चुके हैं, लैम्डा इज इक्वल टू डी स्क्वायर एन प्लस पी माइनस डी स्क्वायर एन, डायमीटर ऑफ एन रिंग और एन प्लस पी मतलब डायमीटर ऑफ द एन प्लस पी रिंग डिवाइड बाई फोर पी आर, पी जो है वो कॉन्सिक्यूटिव रिंग के बीच का टोटल, जैसे 2, 4, 6, 8 है तो पी होगा 2 कॉन्सिक्यूटिव रिंग्स, फाइन 1, 2, 3, 4 लोगे तो 1 होगा, 3, 6, 9, 12 होगा तो 3 होगा। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो रिंग्स बनेंगी उन रिंग्स का आपको डायमीटर निकालना है। ये हमारे पास स्केल दिया है, मेन स्केल है और ये सर्कुलर स्केल है, और इससे आप क्या करोगे डायमीटर निकालोगे रिंग का और आपको वेवलेंथ के साथ जो उसका रिलेशन उसमें वेवलेंथ की वैल्यू को पुट कर लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट रिंग 3rd, 6th, 9th, 12। तो इससे आप क्या करोगे, अच्छा आपसे पूछ सकते हैं ये सोर्स कौन सा है, आप बोलोगे सोडियम लाइट है, इसकी वेवलेंथ क्या होगी, दैट इज 5893 angstrom जो है वो इसकी वेवलेंथ होगी। अब आपसे पूछेगी सस्टेनेबल व्हाट इज इंटरफेरेंस, तो इंटरफेरेंस क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी व्हेन टू और मोर सोर्स आर सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर, फाइन। तो कंस्ट्रक्टिव होगा तो ब्राइट होगा और यदि डिस्ट्रक्टिव होगा तो डार्क की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो आपको रिंग्स और एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाई द रिंग्स आर सर्कुलर, बिकॉज ये जो लोकस ऑफ द पॉइंट है इक्वल थिकनेस के जो लोकस पॉइंट है वो सर्कल बना रहे हैं, इस वजह से सर्कुलर जो है वो रिंग है। एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि व्हाई द जो सेंटर वाली फ्रिंज है वो डार्क क्यों है, क्योंकि सेंटर वाली फ्रिंज में थिकनेस विल बी जीरो और उसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। थ्योरी में ऑलरेडी मैंने ये सब चीजें बता रखी हैं बच्चों, फाइन। नेक्स्ट जो है वो है हमें लेजर सोर्स की वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है यूजिंग सिंगल स्लिट एंड डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ये है ग्रेटिंग है और ये है सिंगल स्लिट। इस लेजर सोर्स की हमें वेवलेंथ जो है वो कैलकुलेट करनी है बच्चों। तो वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए पहले तो हमें पूछेंगे व्हाट इज लेजर, उसका प्रिंसिपल क्या है, दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। और लेजर क्या है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो यहाँ से हम बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ से ये हमारे पास तो ये दैट इज द ग्रेटिंग। तो ग्रेटिंग में ये देखिए ये मैक्सिमा और मैक्सिमा मिनिमा और ये सेकेंडरी मैक्सिमा, आपके ये फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम मतलब जीरो ऑर्डर और ये फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम। जैसे आप जाओगे तो ये मैक्सिमा आपके पास ये डिफ्रैक्शन का पैटर्न आपको दिखेगा। अब आपका क्या काम है यहाँ से, ये आपको डिफ्रैक्शन का पैटर्न आपको यहाँ पे दिखेगा। अब आप डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस के साथ अब क्या करोगे, ये डिस्टेंस को वेरी करोगे और आप जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द टू मैक्सिमा नोट करते जाना। जैसे दैट इज योर 15 और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 5 और ये 5 मतलब कि 11.5। तो xm इज हाफ ऑफ द 2xm, दिस इज अ 2xm और ये लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है। तो d आपके पास पाइथागोरस थ्योरम से आप साइन थीटा कैलकुलेट कर लोगे और हमारे पास इसके जो मैक्सिमम कंडीशन है वो a प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, n इज 1। तो आपका पास a प्लस बी है 2.54 अपॉन 15,000, दैट इज द ग्रेटिंग एलिमेंट। तो वहां पे हम वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास हमें सिर्फ थीटा कैलकुलेट करना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और थीटा साइन थीटा जो हम कैलकुलेट करेंगे वो बेसिकली ये xm और इस d स्क्वायर, ठीक है, दैट इज xm अपॉन xm का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर।
एक्स एम ये है और डी हमारे पास ये 15 है, इससे साइन थीटा आप कैलकुलेट कर लोगे। फाइन, इसी तरह से आप सिंगल स्लिट को भी आप यूज करके जो है वो वेवलेंथ ऑफ द लेजर कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम आपका बच्चों है वो है टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ मर्करी यूजिंग डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग। तो ये जो ग्रेटिंग है वो है एन स्लिट्स। फाइन, तो एन स्लिट है इसमें 15,000 स्लिट्स पर इंच है बच्चों, मतलब 15,000 स्लिट्स पर इंच है। जैसे कि लेजर में हमने बात की थी कि लेजर की वेवलेंथ, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है डिफ्रैक्शन। और डिफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम शार्प कॉर्नर एजेस एंड द स्लिट। सो विजिबल रेंज में यदि हम बात करें तो हमारा लगभग 10,000 to 15,000 तक की लाइंस इज इनफ फॉर द डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए क्या चाहिए? वेवलेंथ जो है ऑफ द सोर्स इज इक्वल टू द स्लिट विड्थ। फाइन, तो ये हमारे पास सेटअप है, ये हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ मर्करी है। और यहाँ पे हमारे पास बच्चों यहाँ से हमें स्पेक्ट्रम दिखेगा रेड कलर से लेके वॉयलेट, मतलब बिवगियोर आपको दिखेगा यहाँ से। अब जब देखोगे आपको यहाँ पे क्या करना है, राइट हैंड साइड पे भी आपको पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम दिखेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे पूरे का पूरा स्पेक्ट्रम दिखेगा। तो आपको ये दैट इज द रेड इस तरफ V1 एंड V2 आप मेजर कर लोगे बच्चों, B1 और ये क्या हमारे पास स्केल है B1 B2 और यहाँ से रेड इस तरफ। तो रेड ये पूरे का पूरा जो एंगल है वो आप इससे कैलकुलेट, इस मेन स्केल और बर्नियर स्केल से कैलकुलेट कर लेंगे। फाइन, तो बस आपको थीटा कैलकुलेट करना है और फार्मूला तो वही है ब्रैक, जो ए प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ए प्लस बी पता है डैट इज 1/15,000 मीन्स 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 15,000 मल्टीप्लाई बाई द साइन थीटा। और थीटा आप कैलकुलेट कर लोगे यहाँ से, डैट इज ये पूरे यहाँ से रेड पे आप सेट करोगे। सपोज करो आप बर्नर B1 की बात कर रहे हैं, रेड पे सेट किया B1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, फिर लेफ्ट हैंड साइड में रेड पे सेट किया तो वो क्या होगा B1 - उसको मान लो, तो ये टोटल B1 - B1 - इज इक्वल टू 2 थीटा, पूरे का पूरा क्या है 2 थीटा है। तो उसको हम बाई 2 करके थीटा कैलकुलेट कर लेंगे और एल लैम्डा इज इक्वल टू साइन थीटा, ए प्लस बी साइन थीटा पे साइन थीटा की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हमें मतलब थीटा की वैल्यू को पुट कर देंगे तो साइन जो भी आपके पास यहाँ पे थीटा आएगा उससे आप कैलकुलेट, जैसे कि थीटा रेड के केस में 21 डिग्री के 20 और 21 डिग्री के बीच में आएगा, तो उसमें आपको टोटल जो वेवलेंथ, तो आपको रेड कलर की वेवलेंथ क्या है, वॉयलेट कलर की वेवलेंथ क्या है, विजिबल स्पेक्ट्रम क्या है, उसका रेंज क्या है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ग्रेटिंग क्या है तो आप बोल दोगे एन स्लिट है, ये क्या है स्पेक्ट्रोमीटर है, ये मरकरी का सोर्स है। फाइन, ओके, टू कैलकुलेट द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ केन शुगर सॉल्यूशन, ये हमारे पास शुगर हमें क्या निकालना है पोलारीमीटर में, कि पोलराइजेशन के इफेक्ट से हमें क्या निकालना है स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द कैन शुगर सॉल्यूशन। तो यहां से बच्चों ये है हमारे पास वाटर है, तो इस शुगर सॉल्यूशन का स्पेसिफिक रोटेशन एट ए पर्टिकुलर, मतलब आपको स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ दिस कैन शुगर हमें कैलकुलेट करना है, कितना रोटेट कर देगा एक प्लेन पोलराइज लाइट को। फाइन, तो अब हम बात करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, ये ट्यूब है वाटर है और इसका प्रिंसिपल क्या है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब कि हमारे पास जो यहाँ से क्या है अनपोलराइज लाइट आ रही है, ये पोलारीमीटर है डेट इज द बाइक्वार्ड्स, बाइक्वार्ड्स पोलारीमीटर की दोनों तरफ रोटेट करेगा लीवो एंड डेक्स्ट्रो, लेफ्ट एंड राइट। फाइन, पहले हम क्या करेंगे, वाटर इज नॉट अ ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, सो यहाँ से हम क्या करेंगे प्लेन, क्योंकि यहाँ से हमारे हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक वेक्टर जो वाइब्रेट करेगा अनपोलराइज लाइन, और यहाँ से वाई क्वार्ट्ज करेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको वाइब्रेट करेगा ऐसे। फाइन, यहाँ पे ये है एनालाइजर, तो हमें ये तो मिल जाएगा वाटर के केस में क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जब आप देखोगे बच्चों तो ये 2 हाफ दिखेंगे यहाँ से,
ऑलरेडी मैंने ये वीडियो बना रखा हुआ है, दो हाफ अलग अलग दिखेंगे, दो दो अलग अलग कलर्स के, और जब आप इसको रोटेट करोगे तो कलर जो है वो चेंज होंगे। जहाँ पे सेम कलर एंड द सेम इंटेंसिटी, वो वाली आपको मेन स्केल और बर्नर स्केल से रीडिंग कैलकुलेट कर लेनी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ रही है 70, फाइन। अब हम इसी तरह से हम शुगर सॉल्यूशन यहाँ पे डालेंगे, और शुगर सॉल्यूशन क्या करेगा, प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा। वाटर तो ऑप्टिकल एक्टिव है नहीं, तो वो तो मतलब रोटेट करेगा नहीं, तो 70 वैल्यू आई है। अब हम फिर से वही एंटी क्लॉक वाइज या क्लॉक वाइज मूव करेंगे, तो ये देखिए आ गई लगभग 100 के अराउंड दोनों की इंटेंसिटी। तो 70 माइनस 100, तो ये आपके पास डिग्री, सपोज करो 30 डिग्री, 30 डिग्री क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन है। तो इसको हमारे पास स्पेसिफिक रोटेशन का फॉर्मूला है, एस इज इक्वल टू एल अपॉन, नहीं सॉरी, थीटा अपॉन एल इज द लेंथ ऑफ द दिस ट्यूब एंड द सी इज द कॉन्सेंट्रेशन, मीन्स फिर एस इज थीटा जो आपने एंगल कैलकुलेट किया अपॉन एल मल्टीप्लाई बाई सी। तो ये हमारा आ गया स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द कैन शुगर सोल्यूशन, और इसका कौन से प्रिंसिपल बेस्ड है, ये है पोलराइजेशन बेस्ड। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द पोलराइजेशन, स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, फाइन, और ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस कौन कौन से हैं इसका, और ये किस, इसकी एप्लीकेशन क्या है। इसकी एप्लीकेशन है सेंसर। सपोज करो आपने प्योर वाटर लेके आए, प्योर वाटर लेके आए, उसका आपने एक रोटेशन एक एंगल पे कैलकुलेट कर लिया, डिग्री ऑफ किस एंगल पे रोटेट, मतलब कि सपोज करो कि वो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन हमने कैलकुलेट कर ली, फाइन। जैसे आपने कोई इम्प्योर वाटर टैप से लेके आए, जितना ज़्यादा वो एंगल ऑफ रोटेशन होगा, ज़्यादा थीटा जितना ज़्यादा का उतनी ज़्यादा इम्प्योरिटी होगी, और ये ही एक बेसिस है सेंसर्स का, फाइन। तो एप्लीकेशन आपको पता चल गई। अब बात नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, नोडल स्लाइड एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हमें क्या करना है, कम्बिनेशन ऑफ लेंस की फोकल लेंथ एक्सपेरिमेंटली एंड थ्योरेटिकली प्रूव करनी है, फार्मूला है। तो यहाँ पे मैंने सेटअप है, ये हमारे पास ये सोर्स है, दिस इज द सोर्स, ये हमारे पास यहाँ से स्लिट है, और ये दो लेंस हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 20, यहाँ 20 40, फाइन। और यहाँ से ये मिरर है, यहाँ से रिफ्रैक्शन हो रही है और यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रही है, और यहाँ से देखिए यहाँ से पूरे का पूरा फिनोमेना होगा, ये वापस रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आपको देखो ये दिख रहा है ना क्रॉस वायर, तो ये है इसका फोकस, फोकल पॉइंट। तो फोकल पॉइंट कितना हो गया यहाँ से देखिए, ये सपोज करो 12 है, 12 माइनस 22.5, तो अप्रोक्सीमेटली ये 10 के अराउंड है। तो फोकल लेंथ क्या होगा, 10 होगा। फिर आप इसका वेरी करना है, 30 30, मतलब कि 6 सेंटीमीटर, फिर 40 एंड 40, आपको इस तरह से इसको मूव करना है, जहाँ पे ये फोकस हो जा रहा है वो बेसिकली क्या है, फोकल लेंथ। तो डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे आपको फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है या फोकल पॉइंट कैलकुलेट करना है। उसके बाद आप सिंगल सिंगल लेंस का इसको यहाँ से उतार के एक वन साइड एंड द अनदर साइड दोनों तरफ आपको निकालना है। उसके बाद आपको इस लेंस को वहीं से हटा के सिंगल सिंगल लेंस का फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी इंडिविजुअली, और उसको फार्मूला पुट करनी है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली एंड द थ्योरेटिकली। तो नोडल पॉइंट्स क्या है, ये कार्डिनल पॉइंट्स जहाँ पे एंगुलर मैग्निफिकेशन जो है वो यूनिटी होती है, फाइन। तो नोडल्स, इसलिए इसको नोडल स्लाइड एक्सपेरिमेंट बोला गया, फाइन। तो हम इस तरह से, तो थैंक यू। अब मैं आपके कुछ जो है वो आपका जो ऑलरेडी मैनुअल्स हैं वो आपको मैं अभी प्रोवाइड कर देता हूँ, साथ में आप उसको स्टडी करना है और वेल प्रिपेयर्ड होके आना है। एक्सपेरिमेंट आपको कोई भी अलॉट कर सकते हैं, आपको परफॉर्म भी करना है, और परफॉर्म करने के बाद आपको पूरे के पूरी शीट्स भी अंदर शीट में अच्छे से लिखना है, थ्योरी फार्मूला यूज, यदि प्रोसीजर आता तो प्रोसीजर भी लिख दो, प्रिकॉशन एंड द सोर्स ऑफ एरर, ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है, फाइन। सो वेलकम स्टूडेंट्स, तो मैं आज आपके लिए जो सीरीज लेके आया हूँ, वेलकम स्टूडेंट्स, माय नेम इज पंकज पठानिया। आज मैं आप बच्चों के लिए जो 10 हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट AKTU के क्वेश्चंस हैं